नमस्कार, मैं हूँ आरवी सिंह। फिर से आप सभी का स्वागत है मघी आवाज में। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। बाइडेन पलटेंगे ट्रंप का फैसला, जर्मनी से अमेरिका सेना वापस बुलाने के फैसले की समीक्षा की जा रही। पिछले साल जुलाई में हुआ था ऐलान। अमेरिका ने भारत के नए कृषि कानूनों का समर्थन किया, कहा यह बाजार की सेहत भी सुधारेंगे। चीन पर बाइडेन वे सख्त, एक हफ्ते में दूसरा यूएस वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात। अमेरिका ने कहा ताइवान की करेंगे मदद। दुनिया में पहली बार एक साथ फेस और दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट। कार एक्सीडेंट में 80% जल गए थे जोसेफ। इजरायली मंत्री ने कहा अमेरिका साथ नहीं देता तो कोई फिक्र नहीं, हम ईरान पर अकेले करेंगे हमला। राहुल हटाओ रिहाना, गांधी लाओ। लाइव डिबेट में चीखने लगे संबित पात्रा, बोले इन्हें बनाओ कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट। होली से पहले रेलवे का बड़ा ऐलान, यूपी बिहार बंगाल और राजस्थान के यात्रियों के लिए खुशखबरी। म्यांमार की तानाशाह सेना को चीन का खुला समर्थन, यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव को किया वीटो। एसबीआई ने नॉमिनी रजिस्ट्रेशन को बनाया आसान, करोड़ों ग्राहकों को होगा फायदा। पटना हाईकोर्ट ने दी शिक्षकों को राहत, डीएलएड नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने पर लगाई रोक। 50,000 लोगों ने सीएम योगी संग वंदे मातरम गाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, 1.5 लाख से अधिक वीडियो अपलोड। झारखंड कैबिनेट में 45 एजेंडा पर लगी मुहर, जेपीएससी के कट ऑफ तिथि निर्धारण को मिली स्वीकृति। सरजील उस्मानी के भाषण पर उबाल, महाराष्ट्र गृह मंत्री का आदेश, जहां भी उसे ढूंढ कर किया जाए गिरफ्तार। तापसी के प्रोपेगेंडा टीचर ट्वीट पर बोली कंगना, बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच। गाजीपुर बॉर्डर पर लोहे की कीले उखाड़ने का वीडियो आया सामने तो पुलिस बोली रिपोजिशनिंग कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में राजभर ने किया चक्का जाम का ऐलान तो योगी की मंत्री बोले इन्हें गंभीरता से लेता कौन है। तेजस्वी ने रुपेश हत्याकांड में रोड रेज थ्योरी पर उठाया सवाल, कहा पुलिस ने खोज लिया बकरा। अशोक गहलोत के सामने असहाय हुआ कांग्रेस आला कमान, अजय माकन भी सीएम को मनाने में रहे नाकाम। नहीं खुलेंगे पश्चिम बंगाल के कॉलेज यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन होंगे एग्जाम। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार के तकनीकी संस्थान में करीब 2500 पदों पर वैकेंसी। पप्पू यादव ने कहा रुपेश हत्याकांड में पटना पुलिस की थ्योरी साउथ की फिल्मी पटकथा जैसी, मामले की ओर सीबीआई जांच। रुपेश हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी पर नहीं है भरोसा, राज्यपाल से मिलने पहुंचे कई पूर्व मंत्री और विधायक, सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी नेता अरुण राय पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने की 15 राउंड फायरिंग। लालू के खास रघुनाथ झा के बेटे को तेजस्वी यादव ने दिखाया राजद से बाहर का रास्ता। राज्यसभा में दिखी ऐसी जुगलबंदी, दिग्विजय बोले वाह जी महाराज, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा आपका ही आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।